बोलो बोलो बोलो। देखिए हम लोग सब जितने यहाँ जितने भी लड़के हैं और भी हम लोगों का तकरीबन 350 लड़का है जो रेगुलरली हम लोग आलकली ग्राउंड में आर्मी नेवी एयरफोर्स पैरामिलिट्री ये सबों का तैयारी करते हैं। और अभी हम लोगों का ग्राउंड गीला है बारिश के वजह से, जिसके वजह से हम लोगों को रास्ता में जाना पड़ता है दौड़ने के लिए। तो जब हम लोग रास्ता में दौड़ने के लिए निकलते हैं, इस रास्ता का रिछड़ा से कोन्नगर वाला जो रास्ता, इस रास्ता का स्थिति पहले से बहुत खराब है। और इस रास्ता में लोड़ी ड्राइवर लोग ऐसा लोड़ी चलाते हैं जैसे वो लोग हाईवे में लोड़ी चला रहा हो। तो इन लोगों का ऐसा लोड़ी चलाने की वजह से आए दिन बड़ा दुर्घटना होते होते बचता है। और आज ही हम लोगों का एक ग्राउंड का एक लड़का था जो फौज का तैयारी करता है, सितंबर में उसका आर्मी का रैली है, अभी 12 क्लास पास किया है, ग्राउंड आया था बेचारा सुबह सुबह, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करके घर जा रहा था। एक लोरी ड्राइवर नशा में पूरा धूत है, वो उसको धक्का मारा है, उसका पूरा पेट फट गया है। अब वो बचेगा कि मरेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। हॉस्पिटल में वो एडमिट है। रिछड़ा थाना आया, लोरी को लेके गया, लोरी के साथ जो खलासी था खलासी को लेके गया, लेकिन ड्राइवर अभी भी फरार है। हम लोगों का कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोगों का बात कोई सुन रहा है तो हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो रास्ता में ऐसे लोड़ी वाले लोग लोड़ी चलाता है, इन लोगों के ऊपर कैसे भी कंट्रोल किया जाए ताकि बड़ा दुर्घटना होते हुए बचे। ये रास्ता ऐसा है जिसमें ऑलमोस्ट 24 आवर्स लड़का लोग दौड़ता है, सुबह 2 बजे से लड़का लोग दौड़ना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग किस स्थिति में तैयारी करते हैं फौज में जाने के लिए, ये हम लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लड़कों का स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहता है, उसके बावजूद भी हम लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, जाते हैं ताकि देश सेवा कर सके। और उसके पहले हम लोगों के साथ ऐसा दुर्घटना हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे? और हम लोगों का ये सब बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है सभी का, सब मिलकर हम लोग हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, जो कोई भी ऑपरेट करता हो, जो कुछ भी सिस्टम हो, वो बस इतना हम लोगों का हेल्प करे कि इस रास्ता में जो लोड़ी वाला लोग ऐसे बेधड़क लोड़ी चलाता है, उन लोगों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करिए। आज एक बच्चा एकदम जिंदगी मौत से लड़ रहा है, अब वो मर भी सकता है, बच जाएगा तो उसका किस्मत है, लेकिन बच जाएगा उसके बावजूद भी उसका करियर खत्म है, अब वो कभी भर्ती नहीं देख सकता है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि प्लीज थोड़ा हम लोगों का देखिए, और उस लोरी ड्राइवर का लाइसेंस तो है नहीं, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करिए। और जो लोरी मालिक ऐसा ड्राइवर लोगों को लोरी देता है चलाने के लिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि ड्राइवर के ऊपर पास लाइसेंस है कि नहीं, ड्राइवर एलिजिबल है कि नहीं, चलाने आता है कि नहीं। आप ऐसे ट्रेनिंग दे देते हो, किसी को भी ठोक